स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट. दिस टॉपिक इज मेकिंग और डेवलपिंग आवर ओन मोबाइल ऐप. सो स्टिल टिल नाउ यू आर ओनली यूजिंग द मोबाइल ऐप्स, द वेरियस टाइप्स ऑफ ऐप्स दैट यू हैव यूज्ड. बट हैव यू एवर थिंक thought that how or who develop or who makes these apps. Now you can make your own apps also. So today's topic is based on how to make our own app, and that is in your book and the at page number 79, developing an app. So let's see how we can develop our own app. आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐप्स बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बट नाउअडेज देयर आर मेनी वेबसाइट्स दैट कैन हेल्प यू टू मेक योर ओन ऐप विदाउट राइटिंग अ सिंगल कोडिंग. तो लेट्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. यू हैव टू गो इन द गूगल, यू विल ओपन गूगल एंड लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग, दिस ऐप डेवलपमेंट इज कम्प्लीटली ऑनलाइन. दैट मीन्स if you do not have a working internet, you cannot make it. Okay, so before starting this app development, you must have the internet connection on your computer. So on the Google, you will search for a site, Thunkable. Go on the Thunkable site, and this is the website, thunkable.com. Click on it. A Thunkable website will get opened. Okay, you will get this screen. You have to click on get started. Okay, let's see what appears on the screen. Now this website is asking you for the sign up or sign in. So you can sign in with your Gmail ID. So click on it, sign in with the Google. If you do not have a Gmail ID, you have to create it first. I'm already having my Gmail ID, so I'm clicking on it. It will get sign in. See, now the Thunkable project gets open. Okay, so I have made this project. I'm deleting it first. Okay, now you will get this first screen, start building. Okay, click on it. So it will ask you to type the project name. I'm typing a project name, class 7th. Okay, create. This is the screen. Ye ek aapko Hi there, and welcome to Thunkable, the platform where anyone can build their own mobile apps. In just a few minutes, we are... Okay, now this is the screen. You can see this is the dummy mobile screen. यहाँ पे एक डमी मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है कि हम अपना ऐप जैसे भी बनाएंगे तो वो हमारे मोबाइल पे कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे जिसको आप यूज़ करेंगे, यूज़ करके आप अपना ऐप बनाएंगे. तो हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज आपको करके दिखा रहा हूँ कि हम मैं जो ऐप बनाने जा रहा हूँ उस पर हम दो बटन लेंगे और एक रेड बटन और एक ग्रीन बटन. उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन होगा उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहला इंटरफेस है बटन, इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे लेके आ जाना है. ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा. मैं एक और बटन लेके आता हूँ, दो बटन मैंने ले लिए. ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे इंटरफेस पे ऊपर, ये आपका प्रोजेक्ट विंडो है. इसमें आपने जो भी कंपोनेंट्स लिए होंगे वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे. तो इसमें एक स्क्रीन वन दिखेगा, डिफॉल्ट है.
वो आपके मोबाइल का स्क्रीन ऐसे ही दिखता रहेगा, जो ये स्क्रीन कंपोनेंट है। दूसरा ये मैंने लिया है बटन वन और बटन टू। तो बटन वन ये है मेरा बटन वन, तो इसका नाम जो है मैं कर देता हूँ रेड, इसके ऊपर रेड लिखा हुआ आएगा, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे ये रेड है तो रेड ही दिखना चाहिए, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूँ, और इसको बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ ग्रीन। अब करना क्या है कि जैसे ही हम इस रेड बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा स्क्रीन जो है रेड होना हो जाना चाहिए। अब आप इसको आप प्ले करके भी देख सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे प्रीव्यू बटन है, तो इस प्रीव्यू को क्लिक करिए और ये प्रीव्यू जो है बिल्कुल आपके मोबाइल की तरह दिखेगा। अभी देखिए जब मैं इस रेड को क्लिक कर रहा हूँ तो स्क्रीन का कलर चेंज नहीं हो रहा है, या ग्रीन को क्लिक कर रहा हूँ तो स्क्रीन कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वापस हम चलते हैं एडिट में। अब हम इस पर कोडिंग कैसे लिखेंगे, तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक डिज़ाइन दिख रहा है, एक ब्लॉक्स दिख रहा है, तो हम ब्लॉक में चलेंगे, ठीक। ब्लॉक में चलने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम जाएंगे बटन वन पे। तो बटन वन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ब्लॉक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला ब्लॉक है व्हेन बटन वन क्लिक्ड, तो इसको हम ड्रैग करके ऐसे ले आएंगे, ठीक। अब हम चलेंगे स्क्रीन वन पे। स्क्रीन वन पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फ्रॉम स्क्रीन वन सेट बैकग्राउंड कलर, इसको हम ड्रैग करेंगे और इसके बीच में यहाँ ला के सेट कर देंगे, ठीक। व्हेन बटन वन क्लिक, तो पहला बटन हमारा कैसा था, बटन वन जो था वो हमारा है रेड, तो बैकग्राउंड कलर को यहां से हम कर देंगे रेड, ठीक। लेट्स हैव अ चेक कि हमारा बटन वन जो है वो रेडी है, तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर आप भूल गए तो रेड पे क्लिक करिए, देखिए ये बटन वन यहां से हाईलाइट हो गया, तो इसका मतलब कि रेड जो है वो बटन वन ही है। अब हम वापस चलते हैं ब्लॉक में, फिर हम बटन टू पे चलेंगे, और बटन टू के इसको हम ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, ठीक। और इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट, और इसको हम ड्रैग करके इसके बीच में सेट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे हम कलर को चेंज करके ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। बस इतना ही हमें करना था, और वापस हम डिज़ाइन में चलते हैं, और अब हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारा बटन जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए हमारा ऐप रेडी है, ग्रीन को क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा मोबाइल का बैकग्राउंड ग्रीन हो गया, रेड को क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल बैकग्राउंड रेड हो रहा है ना। तो आपने देखा बहुत ही ईजी है ऐप बनाना इस थंकेबल के थ्रू, आप कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ इसमें बना सकते हैं। अब वापस हमें जाना है तो हम एडिट पे चले जाएंगे, एडिट करते ही वापस हमारा, तो आपने देखा कि इतने से ही कोडिंग करने से, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से हम अपना मोबाइल ऐप बना सकते हैं। अब आप पूछोगे कि इस ऐप को हम अपने मोबाइल पे कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड iOS ऐप यानी कि एप्पल मोबाइल के लिए, और डाउनलोड एंड्रॉयड ऐप, ये हमारे एंड्रॉयड के लिए है, तो इसको क्लिक कर देंगे हम। ऐप डाउनलोड स्टार्टिंग फॉर क्लास 7, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे आ जाएगा, हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा, और इसके बाद जो है आप इसको अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा केबल से या कैसे भी, और आप इसको अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, तो अगर आप करके देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। फिर अगले क्लास में मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा ऐप बनाने का, तब तक आप अपने से ट्राई कीजिए। इतना ही, ये जो ऐप मैंने बना के दिखाया ये आप बना के देखिए, और फिर हम दूसरे
एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे।